Morning students, I am coming back with another video. In this video I am going to teach you linear equation in two variable of class 9th subject math. Linear equation in two variable. Two variable means दो वेरिएबल में जो इक्वेशन होता है लीनियर, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। हमने पिछले क्लास में 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पढ़ा था। वेरिएबल क्या होता है तो हमने बताया था कि वैसे सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड तक, ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो हर एक इक्वेशन में बदलते रहता है। यानी इस इक्वेशन में इस वेरिएबल का अगर वैल्यू 2 है तो अगले इक्वेशन में हो सकता है उसका 1 हो जाए या 5 हो जाए या फिर कोई और नंबर हो जाए। तो कांस्टेंट जो होता है, हमने वेरिएबल और कांस्टेंट बताया था जब अलजेब्रा आपको पढ़ाया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट सारे न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर कांस्टेंट होते हैं जिनका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। यानी वन को कहीं भी लिखिए तो उसका जो वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू वन ही रहेगा। फाइव को लिखिएगा जहाँ भी, वो फाइव का ही वैल्यू मतलब वो शो करेगा फाइव ही है, उसको कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे सारे नंबर की वैल्यू कभी नहीं चेंज होती है, तो इसे हम लोग कॉन्स्टेंट बोलते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, जो एकदम स्थिर रहे, कभी ना बदले। और वेरिएबल मीन्स हमेशा बदलते रहता है। वेरी करना, वेरिएबल मीन्स वेरी करना, वेरी मीन्स बदलते रहना। तो वैसे सारे अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक जो होते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मीन्स वैसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का डिग्री वन हो। डिग्री वन हो मतलब पावर वन हो, टू ना हो, थ्री ना हो, फोर ना हो, वन के अलावा अगर कोई भी पावर होता है तो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता है। जैसे एक्स प्लस फाइव, ये एक्स प्लस फाइव जो है वो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ एक्स का पावर वन है और वे पावर वन जो होता है वही लीनियर इक्वेशन होता है। अगर हम इस तरह से लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका पावर टू है, डिग्री टू है। तो जैसे ही डिग्री बदल जाएगा, वन के अलावा कुछ हो जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन तभी होगा जब वो जब किसी भी वेरिएबल का डिग्री वन हो। तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हमने पढ़ना है टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मीन्स हमने पहले पढ़ा था x प्लस फाइव या 2x प्लस फाइव। यहाँ x के अलावा या a हो तो a के अलावा भी कोई वेरिएबल होना चाहिए। जैसे इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का इक्वेशन का हमने एक एग्जांपल दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x और y दो वेरिएबल हैं, x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल से बना ये लीनियर इक्वेशन है, दोनों का पावर देखिए डिग्री वन है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यानी एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो ए होगा, बी के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो वाई के साथ जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा वो बी होगा, और कॉन्स्टेंट टर्म सी जो होता है वो कॉन्स्टेंट टर्म है इक्वल टू जीरो। जहाँ पे ए बी सी जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। तो जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ते थे तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू एक ही आती थी, फिक्स था कि एक्स का वैल्यू यही होगा। लेकिन जब हम टू वेरिएबल में पढ़ेंगे तो एक्स की वैल्यू वाई के अकॉर्डिंग टू बदलते रहेगा। अगर वाई जीरो लेंगे तो एक्स अगर वन हो रहा है तो वही वाई वन लेंगे तो एक्स जीरो हो जाएगा, या फिर वाई टू लेंगे तो एक्स कुछ और हो जाएगा। यानी ये डिपेंड करता है कि एक वेरिएबल का वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे ही फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को आप इंक्रीज या डिक्रीज कीजिएगा तो सेकेंड वेरिएबल की भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होने लगेगा। यानी इन दोनों का आपस में एक फिक्स रिलेशन है, गहरा रिलेशन है दोनों वेरिएबल का। अगर एक वेरिएबल आप बढ़ाते हैं तो दूसरा वेरिएबल या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, यानी दोनों में डिफरेंस आएगा। जैसे ही एक को चेंज करेंगे दूसरा में भी कोई ना कोई चेंजिंग आएगा ही आएगा। तो ये ध्यान देना है कि जैसे ही टू वेरिएबल के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर आता है, दोनों के आंसर एक से ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, चलते हैं। हम लोग 4.1 को सॉल्व करते हैं। 4.1 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर वन उसका है
एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यानी नोटबुक का जो कॉस्ट है पेन के कॉस्ट से दुगुना है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है। इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, बस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंट में दिया हुआ है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स रुपीज। मान लेंगे हम भी, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू वाई रुपीज। ये दिया हुआ है हिंट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस कॉस्ट ऑफ द पेन। अब यहाँ x एक तरफ लिखेंगे, y एक तरफ लिखेंगे, यानी y का जो वैल्यू है वो x से छोटा है क्योंकि नोटबुक जो है वो किससे दुगना है, पेन के कॉस्ट से दुगना है, यानी पेन के कॉस्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये हो गया 0। तो यही आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसी के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर देंगे इस स्टेटमेंट को। यहाँ पे दिया हुआ था कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, वाई, और वाई का डबल क्या है, एक्स की वैल्यू। तो वाई एक्स इजकल टू 2y और ये 2y इधर आया तो एक्स माइनस 2y इजकल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स बी वाई सी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। सेकेंड का ए देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.535। 5 के ऊपर डैश लगा है, इसका मतलब 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ax प्लस by तो इधर है, c उधर से आएगा तो माइनस 9.35 इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में हो गया ax by प्लस c। अब सब की वैल्यू लिख देंगे, हियर a इक्वल टू 2, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, y का वैल्यू मतलब b होता है y के साथ, तो b इक्वल टू y का कोएफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो c होता है, यानी माइनस 9.35। ये आपका आंसर हो गया। इसको पहले सबसे पहले इस फॉर्म में लाना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी को निकाल के लिख देना है अलग अलग। ठीक है, एक और इसका बता देते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है बी नंबर, एक्स माइनस वाई बाई फाइव माइनस 10 इक्वल टू 0। ये पहले से फॉर्म में है, ए एक्स बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, यहाँ बस ए और बी सी की वैल्यू आपको निकाल देना है। हियर ए इक्वल टू एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, बी वाई के साथ क्या है, माइनस 1/5। वाई में किस चीज से मल्टीप्लाई है, माइनस 1/5 से। सी का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 10। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन का आप वैल्यू निकाल लीजिएगा सारे में। आपको जहां पे एक्स नहीं है वहां एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिस इक्वेशन में वाई नहीं है वहां वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो जो दिया है उसको आप लिख लीजिएगा। अगर एक्स मिसिंग है उस इक्वेशन में तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, अगर उस इक्वेशन में वाई का कोई टर्म नहीं है तो वाई का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो कांस्टेंट टर्म सी का वैल्यू भी 0 लिख दीजिएगा। यानी तीनों का वैल्यू हमें दिखाना है या ना है, ना है तो उसके जगह पे क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे। अगर है तो ठीक है, उसका कोएफिशिएंट क्या है वो लिख देंगे उसका आंसर, अगर नहीं है तो उसके जगह पे उसका 0 वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से 4.1 को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 4.2 देखिए, 4.2 में क्या करना है आपको बताना है, 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में, कि ये जो सॉल्यूशन इक्वेशन दिया हुआ है टू वेरिएबल का,
उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है और है ट्रू तो क्यों ट्रू है, और इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे वाई इक्वल टू 3x प्लस 5, तो यहाँ x की वैल्यू को हम लोग चेंज करके देखेंगे, हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू आ गया क्या 3 × x यानी 1 प्लस 5 यानी 3 प्लस 5 8। अगर x 0 लेते हैं तो 3 × 0 + 5 इक्वल टू 5। अगर x की वैल्यू -1 लेके देखते हैं तो 3 × −1 + 5 इक्वल टू −3 + 5 यानी +2। यानी जब जब हम x का वैल्यू बढ़ाते हैं या घटाते हैं y भी उसके अकॉर्डिंग टू चेंज होता है। तो हमने लिखा हियर वी सी डेट, यहाँ हम देखते हैं कि वेन द वैल्यू ऑफ x इज चेंज, जब वैल्यू x की चेंज होता है इज चेंज्ड, द वैल्यू ऑफ y आल्सो भी चेंज। जैसे जैसे हम लोग y x की वैल्यू चेंज करते हैं y भी की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है। मींस जो थर्ड ऑप्शन है इनफिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन इज द राइट आंसर, क्योंकि x का वैल्यू जितना बार हम लोग चेंज करेंगे y का वैल्यू नया आते जाएगा, यानी x बदलेंगे y बदलते जाएगा। इस तरह से इसका कितना सॉल्यूशन होगा हमें पता नहीं है, लाखों करोड़ों इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 जो है इनफिनिटिवली मेनी सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। और वाई बिकॉज इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स देन वाई आल्सो बी चेंज। क्यों चेंज, क्यों 3 ही आंसर होगा, तो जब जब आप एक्स की वैल्यू बदलते हैं वाई भी बदलते जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 ही इसका आंसर होगा, ये ध्यान में रखना है क्यों बदल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके 4 आपको सॉल्यूशन बताने हैं, वो सॉल्यूशन आपके बुक के आंसर से वैरी भी कर सकता है, अलग भी हो सकता है, क्योंकि आप जो लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग टू वो आंसर आएगा, बुक में जो लिया होगा उसके अकॉर्डिंग टू होगा। तो आप घबराइएगा नहीं कि आंसर हमारा नहीं आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग टू जो जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग टू आपका आंसर आएगा। 2 का 1 क्वेश्चन है 2x + y = 7, ठीक है, इसका हमें 4 सॉल्यूशन लाना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को चेंज कर लेंगे, y = 7 − 2x, ये हमारा इक्वेशन हुआ। अब यहाँ से x की वैल्यू हम रखते जाएंगे और y का वैल्यू आते जाएगा, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग, x और y की वैल्यू क्या क्या रखेंगे और क्या क्या आते जाएगा, 4 बॉक्स बना लेंगे इसका, क्योंकि 4 सॉल्यूशन हमें लाना है, ये x है ये y है। अब इफ x इज इक्वल टू 0, जब हम लोग x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, 7 − 2 × 0 यानी 7 − 0 = 7, x 0 लिया तो y क्या हो गया 7। इफ x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 7 − 2 × 1 यानी 7 − 2 = 5, x 1 लिया तो y 5 हो गया। इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7 − 2 × 2 यानी 7 − 4 = 3, यानी जब जब आप x की वैल्यू बदलेंगे y बदलते जाएगा। अब की बार हम लोग क्या लेंगे, इफ x इज इक्वल टू −1 तो y क्या हो जाएगा, 7 − 2 × −1 यानी 7 − −2 और ये −−+ हो जाएगा यानी 9। तो इस तरह से ये 4 आंसर आ गया हमारा, हर एक क्वेश्चन का 2 का हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अरेंज कर लेना होगा y इक्वल टू जो भी बने इक्वेशन उसको बना लेना है, y को सेपरेट कर लेना है और x के फॉर्म में दूसरे इक्वेशन को बना लेना है। जैसे कि यहाँ 2x + y = 7 था, हमने y को यहीं छोड़ दिया, 2x को उधर ले गया, तो इधर का प्लस उधर जाके माइनस हो गया यानी 7 − 2x। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम रखते गए, y का वैल्यू अप टू डेट आते गया, इस तरह से 4 सॉल्यूशन हर एक इक्वेशन का आपको निकाल लेना है, यही 4 आंसर आपका हो गया, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे खुद से। थर्ड नंबर क्वेश्चन है चेक,
Check which of the following are the solution of x minus 2y is equal to 4. यानी एक इक्वेशन दिया हुआ है x minus 2y equal to 4 और चेक करके बताना है कि नीचे कौन सा जो है उसका सॉल्यूशन है. ठीक है, ठीक है. इक्वेशन है x minus 2y is equal to 4. अब हमें बारी बारी से ये जो आंसर दिए हुए हैं सबको चेक करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, 0 और 2 को. यानी 0 x की वैल्यू होगा, 2 y की वैल्यू होगा. यानी 0 minus 2 into 2 equal to क्या होना चाहिए, plus 4 आना चाहिए. तो 0 minus 4, minus 4 आ गया, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है. इट इज नॉट सॉल्यूशन. सेकेंड नंबर लेते हैं, वो क्या है, 20. यानी x2 होगा, y0 होगा और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 लाना है. x के जगह पे 2 लिए, y के जगह पे 0 लिए और ये हमें आना क्या चाहिए, 4. ये 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2. यहाँ भी ये 4 नहीं आया, इसका मतलब इट इज नॉट सॉल्यूशन. बारी बारी से सबको आपको चेक करना है, जो आंसर 4 को मतलब ला देगा वही आपका होगा. तो फर्स्ट हमने चेक कर लिया, सेकंड चेक कर लिया, थर्ड नंबर 40, मतलब x होगा 4, y होगा 0 और सर इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. x के जगह पे 4 रखेंगे, y के जगह पे 2 इंटू 0 यानी 4 माइनस 0, ये 4 आ गया. यानी x माइनस 2y की वैल्यू 4 आ गया, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. यानी ये जो वैल्यू है 40, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. हमारा आंसर तो आ गया थर्ड नंबर, लेकिन हमें 4 को भी चेक करके इसी तरह से बता देना है और 5 को भी चेक करके बता देना है. जैसे हम 4 को चेक करते हैं और 4 की वैल्यू क्या है, रूट टू, 4√2. यानी x की वैल्यू ये होगा, y की वैल्यू ये होगा और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 लाना है. तो x का वैल्यू रूट टू माइनस 2 इंटू 4√2, रूट टू माइनस 8√2 इज इक्वल टू माइनस 7√2. यहाँ भी सॉल्यूशन नहीं आया क्योंकि ये 4 नहीं आया. यहाँ भी लिख देंगे इट इज नॉट सॉल्यूशन. इसी तरह से 5 नंबर को भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा. हम ही बता दें, चलिए हम ही सॉल्यूशन करके बता देते हैं. फाइव नंबर क्या है, 1 1, दोनों तरफ यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1. तो x माइनस 2y, 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1. ये भी 4 नहीं आया, इट इज नॉट सॉल्यूशन. यानी सॉल्यूशन कौन था इसका, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 3, 40 जो था वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था, बाकी सब इसके सॉल्यूशन नहीं थे, हमने सॉल्व करके दिखा दिया. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1. यानी k की वैल्यू निकालना है और x और y की वैल्यू दी हुई है. x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, हम लोग क्या करेंगे, x और y के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में. 2 इंटू x की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू k. 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, यानी k इज इक्वल टू 7 होगा आंसर. ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर 4.2 भी आपका कंप्लीट हुआ.
इसमें हम लोग पढ़े लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जब होगा तो उसके हमको उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, और उसके मतलब बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर क्या होते हैं रियल नंबर, यानी ए बी सी की वैल्यू जो होती है वो रियल नंबर होगा, ए जो होता है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, बी जो होता है वो वाई का कोएफिशिएंट होता है, और सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म उस इक्वेशन का होता है। तो ए बी सी क्या होता है ये बताया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या होता है ये बताया गया इस वीडियो में, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये बताया गया इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी बताया गया वो 4.1 को सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, और 4.2 को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताया गया आपको। जैसे ही आपके पास ये वीडियो जाता है आप इन दोनों एक्सरसाइज को अपने नोटबुक पे वीडियो को देखने के बाद खुद से सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करें, या तो कॉन्टैक्ट करने का तरीका आपको मालूम है, क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या फिर हमसे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है, आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो ज़रूर पूछिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं, और बाहर जाने से पहले आप मास्क ज़रूर लगा लें, मास्क लगा के जाएं, घर आएँ तो साबुन या फिर सैनिटाइजर जो भी है आपके पास उससे हाथ को सैनिटाइज कर लें, तब घर में प्रवेश करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।